सुजानगढ़ में राष्ट्रीय जाट महासभा के भोजलाई चौराहे स्थित प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश मुख्य संयोजक धर्मेंद्र कीलका ने कहा कि देश की प्रगति का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। ऐसे विचार रखने वाले चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पर चलकर ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इस अवसर पर भीमा राम कीलका, नवीन डूडी, मुद्रिका कीलका, अशोक कीलका, भवानी सिंह, रामदेव जाखड़, जगदीश प्रसाद जाखड़, भागीरथ राम जाखड़, सोनू कामड़ सरपंच प्रतिनिधि, गिरधारी बिजानिया, विशाल चौधरी, मोहम्मद शेर खान, रजाक, असलम खान, आसिफ खान, एजाज खान, शाहिद मेव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार सुजानगढ़ के जाट छात्रावास ने भी कार्यक्रम का आयोजन करके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान दिवस के ऊपर सभी किसान भाइयों को चौधरी चरण सिंह की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज हम इसको किसान दिवस के रूप में सभी किसान भाई मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की आज 121वीं जयंती है और चौधरी साहब ने एक नारा दिया था कि देश का विकास खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। तो किसान ही है वो कौम जो आज अन्न पैदा करती है, सब्जी पैदा करती है, फल फ्रूट पैदा करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो सब आज के दिन किसान दिवस के रूप में मनाएं और चौधरी साहब के मार्गदर्शन के ऊपर चलते रहें। सुजानगढ़ में मसानिया भैरव धाम अजमेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर समाप्ति नीलोफर कोरी। भाजपा नेता व विधायक प्रधान संतोष मेघवाल ने शोभा यात्रा को रवाना किया। गाजे बाजे के साथ शहर के मुख्य मार्ग व बाजारों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान अनेक झांकियां सजाई गई। बस स्टैंड स्थित वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का विसर्जन हुआ, जहां पर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शोभा यात्रा में पार्षद रियम कोड, पार्षद मनोज पारिक, सूर्य कुलवा, आरएलपी नेता बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक नेताओं ने शिरकत की। आयोजन को सफल बनाने में सतीश सेन, पुष्पेंद्र, गोपाल पारिक, चंद्र प्रकाश, संदीप, बजरंग रवि, आशीष, शांति देवी, अनिल प्रजापति, विष्णु सहित अनेक लोगों ने योगदान दिया। राजगढ़ अजमेर के मनोकामना पूर्ण स्तंभ के 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज उनके भक्तों द्वारा सुजानगढ़ में एक भव्य जुलूस और कलश यात्रा निकाली गई, जो कि गणेश जी के मंदिर से शुरू हुई और वेंकटेश्वर मंदिर तक भव्य जुलूस के साथ कलश यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तो उनके जो भक्तों द्वारा हर वर्ष ये प्रोग्राम किया जाता है और हमारे जो मशाने बेरदाम राजगढ़ के जो बाबा हैं उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, इसी मनोकामनाओं के साथ हम सभी लोग आज इस यात्रा भंडारा भी चल रहे हैं। भंडारा भी आज यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर में।